मोहिनी नदी किनारे स्थित बागेश्वरी झीरावाली माता मंदिर परिसर में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक संगीतमय देवी भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन महिला मंडल एवं समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से किया गया था। व्यासपीठ से पंडित अंतिश व्यास जी ने अपने सुमधुर वाणी से देवी भगवती पर आधारित विभिन्न प्रसंगों पर आधारित कथा का रसपान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सुमधुर भजनों के साथ कराया गया। गुरुवार को बाड़ी में जाकर ज्वारे विसर्जन किए गए। महिला मंडल की अध्यक्ष कुसुमलता उदेनिया दीदी एवं ग्रामवासियों ने भागवत कथा के समापन पर शुक्रवार को विशाल बाल कन्या भंडारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाल कन्याओं को बागेश्वरी झीरावाली माता मंदिर परिसर में बाल कन्याओं का पूजन महिला मंडल अध्यक्ष एवं ग्रामवासियों द्वारा किया गया। तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। यहाँ बागेश्वरी माता मंदिर में पिछले 7 दिनों से संगीतमय देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका समापन है। समापन अवसर पर आपने किन किन प्रसंगों पर कथा सुनाई आज? आज माँ भगवती के सुंदर चरित्रों का वर्णन किया गया और निमाड़ी में हिंदी में भजनों में गरबा गा करके और सभी भक्त आज बड़े ही भाव विभोर होकर के बड़े ही आनंदित होकर माँ जगदम्बा की कथा का रसपान किया। आज सत्यवान और सावित्री की कथा का रसपान कराया गया और किस तरह माँ भगवती लक्ष्मी का पुनर्प्रादुर्भाव हुआ, माँ लक्ष्मी नारायण के सहित विराजी है, उस कथा का प्रसंग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।